नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल चैनल पर। तो जैसा कि आप देख चुके हैं इसके पहले कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है, फिजिक्स का अनाउंस हो चुका है और केमिस्ट्री का भी अब अनाउंस हो गया है। तो केमिस्ट्री में देखिए सबसे खास बात इस बार यह है कि जो नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिला वो दोनों की दोनों जो है महिलाएं हैं, दोनों ही फीमेल्स हैं। एक फ्रांस की रहने वाली है और एक अमेरिका की रहने वाली है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल्स कि इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह इमैनुएल सारपेंटियर फ्रांस की रहने वाली है और ये जेनिफर ये डूडना अमेरिका की रहने वाली है। इन दोनों लोगों ने कुछ ऐसे चीज का ऐसी चीज की डिस्कवरी की है जिसके थ्रू की जो आपका जो जीन्स है जो जेनेटिक लेवल पर जाकर के आपके डीएनए को एक परफेक्ट पॉइंट पर उसको काटा जा सकता है, उसको एडिट किया जा सकता है। तो ये जो खोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है, खास करके ट्रीटमेंट को लेकर के, डिजीज के बीमारियों के ट्रीटमेंट को या कोई जेनेटिक अगर अबनॉर्मेलिटी है उसको सही करने में ये जो इनकी खोज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो इसमें क्या है कि इन दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से 50-50 का शेयर मिलेगा, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। ये जेनिफर एडुडना फ्रांस की रहने वाली है और ये इमैनुएल चारपेंटियर फ्रांस की है, ये अमेरिका की है। इन दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से ये दिया गया है। तो इन्होंने जो खोज की है वो क्या है आइए देखते हैं। इन्होंने जो डिस्कवरी है इनकी, इनकी जो खोज है वो बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने जो खोज की है वो क्या किया कि जीन की टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने बताया कि वो एक बहुत शार्पेस्ट टूल अभी तक का, जैसे इसके पहले जो जो जीन का स्लाइसिंग या करते थे तो उसमें मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी होती थी, होती। और जो इन्होंने जो खोज की है क्रिस्प आर और कैस नाइन जो जेनेटिक सीजर का जो डिस्कवरी जो इन्होंने की है वो बहुत ही प्रेसाइज है, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से उसको काट सकते हैं, जीन को एडिट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ये जो इन्होंने डिस्कवरी की है इसके वजह से हम किसी भी एनिमल के डीएनए को, किसी प्लांट के डीएनए को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बहुत ही हाई प्रेसिजन के साथ में एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई, बेसिकली जो ये फ्रांस की जो है आपकी इमैनुएल चारपेंटियर, इन्होंने क्या किया बेसिकली ये स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है इस पर काम कर रही थी। तो इन्होंने क्या देखा कि ये देख रहे हैं आप बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है बेसिकली। तो आप देख रहे हो बैक्टीरिया के सरफेस पर एक वायरस दिखाया गया है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए छोड़ रहा है, ठीक। तो बैक्टीरिया के अंदर जब उसका डीएनए पहुंच रहा है तो बैक्टीरिया भी कुछ कर रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रोसेस को समझ करके इन्होंने ये प्रोसेस को डिजाइन किया है, इस सीजर को तैयार किया, डिजाइन किया है, ये प्रक्रिया इन्होंने खोजी है। तो क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया है ये अपने जीनोम में वायरस के डीएनए को एक पर्टिकुलर रिपीटेड सीक्वेंस में इंसर्ट कर देता है। पहला स्टेप, जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया के को इन्फेक्ट करता है उसका डीएनए इसके अंदर आता है, वायरस का डीएनए इसके बैक्टीरिया के सेल में आता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया जो इसका जो डीएनए है, इसका बेसिकली इसका जो जीनोम है क्रिस्प, तो उसके जीनोम का क्रिस्प आर सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन है इसके बैक्टीरिया के जीनोम का जिसको क्रिस्प आर सेक्शन बोलते हैं, उस सीक्वेंस को इसके जो वायरस के डीएनए के साथ में एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो उसको फिट करते जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वायरस का डीएनए फिर क्रिस्प आर जो है, फिर इस तरह से वायरस फिर इस तरह से वो रिपीट करके एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो उसको उसमें फिट कर देता है। तो इस तरह से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्प आर डीएनए बोलते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, पहले उसको अनकॉइलिंग करता है फिर उसके ऊपर दूसरी कॉइल आती है तो एक डीएनए से दो डीएनए, इसी तरह से बैक्टीरिया में जो डीएनए का मल्टीप्लीकेशन होता है या किसी भी जीव में जो डीएनए का मल्टीप्लीकेशन है वो इसी तरीके से होता है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जैसे क्रिस्प आर डीएनए है तो अब क्या करेगा, ये अनकॉइल होकर के पहले आरएनए बनाएगा फिर इसके ऊपर दूसरी कॉइल बन जाएगी तो एक फिर से नया डीएनए बन जाएगा। तो अब ये जो दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो क्रिस्प आर डीएनए जो बना था अब वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू इससे आरएनए बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका डीएनए अनकॉइल हुआ और फिर क्या बन गया, इसका क्रिस्प आर आरएनए बन गया। अब अगला स्टेप में क्या होता है कि क्रिस्प आर जो आरएनए जो यहाँ पे बना था अभी पिछले वाले स्टेप में आप देख रहे हैं ये क्रिस्प आर आरएनए है, तो एक होता है ट्रैकर आरएनए जो अभी तक जिसके बारे में पता नहीं था, जो इन्होंने जिसकी खोज की है जिसकी वजह से जेनेटिक सीजर्स को ये आप प्रेसाइज तरीके से यूज कर सकते हैं इसको जीन की एडिटिंग के लिए।
तो उसमें क्या होता है, जो ट्रैकर आनंद में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रैकर आनंद क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो रिपीटेड सीक्वेंस है इसमें क्रिस्प आरएनए में, उस रिपीटेड सीक्वेंस पे आकर के जुड़ जाता है। और जैसे ही ये आपका क्रिस्प आर जो ट्रैकर आरएनए जो है क्रिस्प आर के रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ता है, तो एक कैस नाइन प्रोटीन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो भी इससे आकर के इस आरएनए से के कॉम्प्लेक्स से आकर के अटैच हो जाती है। तो जैसे ही ये प्रोसेस जैसे ही अटैच होता है तो ये फर्दर एक और रिएक्शन ट्रिगर करता है, जिससे कि जो आरएनए थर्ड एंजाइम है वो यहाँ पर के आकर के एक्ट करने लगता है और ये उस हिस्से को ब्रेक कर देता है जो यहाँ पे बीच बीच में जो इनके टुकड़े हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जहां जहां पे ट्रैकर के बीच में क्या करता है उसको तोड़ तोड़ करके डिस्ट्रॉय करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो उसको कट करते हुए चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि फर्दर अब क्या होगा कि अब फिर वही वायरस, अगर वही बैक्टीरियोफेज वायरस इस स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर या वो कोई अटैक करे फिर से वही वायरस उसके ऊपर आता है, तो वो क्या करेगा, ये जो इसका सीजर है कैस नाइन और ट्रैकर आरएनए और ये जो जो उन्होंने बना रखा था पहले जो, तो इससे क्या होगा कि वो क्या करेगा फिर से उसको आइडेंटिफाई करेगा और उस वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से जो वायरस है उस पर अब उसको वायरस प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली इन्होंने स्टडी किया था, जो फ्रांस की जो मैडम है ये आपके जो चारपेंटियर, तो इन्होंने इस चीज की खोज की थी। तो अब इसी चीज को मॉडिफाई करते हुए इन्होंने जो है अब इसकी जगह पे जैसे आपने रिपीटेड सीक्वेंस जो था आपने देखा था ट्रैकर के साथ में, अगर आप इन्होंने क्या किया है कि गाइड आरएनए एक लगा दिया है, तो अब इस ट्रैकर के साथ में गाइड आरएनए अटैच कर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एक पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर के वो जीनोम में अटैच होगा और उसी जगह से वो जहां पर तक अटैच रहेगा उसके जस्ट बगल से वो उसको कट कर देगा। तो इस तरह से आप उस पर्टिकुलर जो भी जीनोम है वो एक बहुत ही प्रेसाइज तरीके से उसको काट सकते हैं, उसकी जगह पे दूसरा जीन इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको काट करके रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, खास करके बहुत सारी डिजीजेस के ट्रीटमेंट में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेम्पलेट है जो इसकी रिपेयर की इस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है, अगर जो ऐसा कोई करना चाहता है तो दो आप उसको अलग अलग फ्रेगमेंट में किया फिर उसमें एक नया जो अलग से पार्ट इंसर्ट भी कर दिया या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारा जो इनका डिस्कवरी था तो इसके लिए जो इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया केमिस्ट्री के, और ऐसा पहली बार है जब दो फीमेल्स को केमिस्ट्री में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब आप देखते हैं अगर हम पिछली बार का देखें तो पिछली बार जो तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, जॉन बी गुडेनफ एंड स्टेनली वॉशिंगटन एंड अकुरा युशिको, ठीक, तो ये लोग इन लोगों ने क्या किया था, सबसे जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है आपका जॉन बी गुडेनफ का था। पिछली बार इन्होंने लिथियम आयन बैटरी की डिस्कवरी की है, जो कि आप देखते हैं कि जो हमारे मोबाइल फोन्स में और कार वगैरह जो आपकी लंबी दूरी तक कार है, रिचार्जेबल कार है, मोबाइल फोन आप इतने उसमें लार्ज स्केल पे चला सकते थे उसमें, तो ये सब की वजह से बहुत सारी चीजें मोबाइल हो सकी है, अदरवाइज आप चीजों को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते थे, जब तक आपके पास चार्ज नहीं होगा तो आप लेकर के चीजों को नहीं घूम सकते। इस वजह से इनका जो लिथियम आयन बैटरी का जो खोज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, और ये जॉन बी गुडेनफ जो अभी तक के सबसे ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज के रेसिपिएंट है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं हम लोग, क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से जुड़े हुए। तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ देखिए कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि अभी तक ये 112 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा था कि फिजिक्स में 6 बार नहीं दिया गया तो केमिस्ट्री में 8 बार ऐसा हुआ है कि नोबेल प्राइज 8 बार नहीं दिया गया है, यानी कि अभी तक 1901 से दिया जा रहा है, 2020 चल रहा है तो 120 नोबेल प्राइज होने चाहिए थे टोटल, लेकिन ये जो 8 साल 16, 17, 19, 24, 33, 40, 41 और 42 इन 8 वर्षों में केमिस्ट्री में कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है, यानी कि 112 नोबेल प्राइज जो भी दिए गए हैं। अब इसमें 112 में क्या हुआ है कि 63 बार सिर्फ एक लोगों को सिंगल पर्सन को मिला है, इंडिविजुअल को मिला है, 24 बार ऐसा हुआ है कि ये दो लोगों को मिला है और 25 बार ये तीन लोगों में शेयर किया गया है। तो अभी तक आपने जितना भी देखा उसमें सिंगल लॉरेट में केमिस्ट्री में फिजिक्स में और बायो मेडिसिन में और केमिस्ट्री, अगर इन तीन की बात करें तो केमिस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा जो है सिंगल लोगों को ये नोबेल प्राइज अभी तक मिला है। और अगर इसके बारे में फैक्ट देखना चाहें कि अगर इंडिविजुअल जो
टोटल 186 लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन इन 186 लॉरेट्स हैं, नोबेल लॉरेट्स हैं, लेकिन इसमें से फ्रेडरिक सिंगर जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्हें 2 बार मिल चुका है केमिस्ट्री में ही। तो इस तरह से कुल मिलाकर के टोटल 185 इंडिविजुअल्स हैं 1901 से लेकर के अब तक जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। और अगर फैक्ट्स की बात करें कि जो है अगर यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन रहा है केमिस्ट्री में, तो ए फ्रेडरिक जूलियट, जो कि ये आपकी इरीन जूलियट क्यूरी, जो कि मैरी क्यूरी की डॉटर थी, ये इनके हस्बैंड हैं, 35 इयर्स की एज में इन्हें 1935 में नोबेल प्राइज मिला था, जो कि केमिस्ट्री के यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं। फिजिक्स के जो विनर थे वो 25 इयर्स में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है, तो वो इनसे भी यंग थे, ठीक है। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो मलाला यूसुफजई को सबसे जो छोटी है अभी तक एज में, उन्हें अभी तक जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। बाकी अगर आप आगे और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर देखेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अभी तक के जो सबसे वृद्ध नोबेल प्राइज विनर है, सबसे ओल्डेस्ट, जो पिछली साल का जो नोबेल प्राइज इन्हें मिला था लिथियम आयन की बैटरी की डिस्कवरी के लिए, यह है जॉन बी गुडेनफ, इन्हें 97 ईयर्स की एज में 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था। बाकी हम देखेंगे और जैसे फीमेल्स की अगर हम बात करें, तो अभी तक जैसा कि आपने देखा कि 184 इंडिविजुअल्स अभी तक टोटल रहे नोबेल, सॉरी 185 में बेसिकली टोटल देखा जाए तो 185 में से अभी तक 7 महिलाओं को ये पुरस्कार मिल चुका है। 7 महिलाओं में से आप इसमें 3 महिलाएं ऐसी हैं, सॉरी 2 महिलाएं ऐसी हैं बेसिकली, मैरी क्यूरी एंड डोरोथी क्रॉफोर्ड हॉकिन, तो इन दोनों लोगों को अनशेयर्ड प्राइज मिला है केमिस्ट्री में नोबेल का। बाकी देख रहे हैं कि ये जो 7 लोग हैं इनमें मैरी क्यूरी, इरीन जूलियट क्यूरी जो उनकी डॉटर हैं, डोरोथी क्रॉफोर्ड हॉकिन, एडा योनाथ, फ्रांसिस एच अर्नॉल्ड, ये पहले के हैं, और इस बार की ये 2 मैडम जो हैं इमैनुअल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए टूडना, इन दोनों लोग इस तरह से कुल मिलाकर के आपके पास 3, 2, 5 और 2, 7 लोगों को अभी तक केमिस्ट्री में महिलाएं ऐसी हैं, 7 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम देखें यहाँ पर कि मल्टीपल लॉरेट्स की अगर हम बात करें कि एक से ज्यादा केमिस्ट्री में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है, वो किसी भी सेक्टर और सेक्टर से रिलेट हो सकते हैं, तो इसमें मैरी क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर एंड ये 3 लोगों का नाम आता है बेसिकली। तो मैरी क्यूरी को जैसा कि आपने इसके पहले भी देखा था कि फिजिक्स में 1903 में नोबेल प्राइज मिला था, फिर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इन्हें 1911 में दिया गया था अकेला। 1903 में जो नोबेल प्राइज फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो इन्हें दिया गया था वो इनके हस्बैंड जो थे पियरे क्यूरी के साथ में इन्होंने शेयर किया था। लाइनस पॉलिंग, इन्होंने केमिस्ट्री का प्राइज इन्हें 1954 में मिला और 1962 में पीस का प्राइज दिया गया। एंड फ्रेडरिक सिंगर को भी 2 बार केमिस्ट्री में मिला है, 1958 में और 1980 में, ठीक, जैसा कि आप इसके पहले भी देख चुके हैं। और लाइनस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज दिया गया, यानी कि 2 बार इन्होंने नोबेल जीता है और दोनों बार अकेले ही जीता है, उसके साथ में किसी का हिस्सा नहीं लगा है, ठीक। तो ये लाइनस पॉलिंग के बारे में खास बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसी तरह के अपडेट पाते रहने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ये अच्छी जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको भी इसका PDF या जो क्विज इस तरह के चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया और आपके इस टैग लाइन में भी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।